कर्णप्रयाग नगर पालिका के द्वारा कर्णप्रयाग नैनी से मोटर मार्ग पर बनाए जा रहे कूड़ा डंपिंग जोन का क्षेत्र जनता ने विरोध कर रही है, जिसके बाद उपजिलाधिकारी व नगर पालिका ने मौके पर जाकर ग्रामीणों से वार्ता को लेकर ग्रामीणों ने यहां कूड़ा डंपिंग जोन बनाने का घोर विरोध किया। उपजिलाधिकारी ने कहा कि DM चमोली के द्वारा यह भूमि शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है और क्षेत्रीय जनता के विरोध के बाद कुछ लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। नगर पालिका कर्णप्रयाग परिषद द्वारा जो यहाँ पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, इसकी पूरी क्षेत्र की जनता पुरजोर विरोध करती है और किसी भी दशा में पूरे क्षेत्र की जनप्रतिनिधि जनता इसको यहाँ पे नहीं बनने देंगे। निर्णय तो किसी प्रकार का अभी नहीं निकला है, लेकिन जो हमारे तमाम क्षेत्रवासी हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग स्वयं चाहते हैं कि ये कूड़ा जो डंपिंग जोन यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये किसी भी कंडीशन पे यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। बड़ी बात है, ऑलरेडी एक जमीन चयनित की गई है, उसमें नगर पालिका को ऑलरेडी ये ट्रांसफर है, शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर हो चुकी है। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रस्तावित है। इस संबंध में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है और बाकी लोग भी आए हैं, उनके साथ वार्ता हुई है।